भाजपा के बागी विधायक ने अपनी अलग विंध जनता पार्टी बनाई और अब प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है, 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दी। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, भाजपा भी अपना घोषणा पत्र ला रही है, विंध जनता पार्टी क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच जाने वाली? हमारी विंध जनता पार्टी का गठन करके आज हमने 25 नामों की सूची घोषित कर दी। हमारा जो मुद्दा है, विंध प्रदेश का यदि गठन हो जाता है तो मैं एक प्रमाण के रूप में बता दूं कि हमारे पास इतना खनिज संपदा का कूत भंडार है कि यदि उस खनिज संपदा का प्रोडक्शन यदि उन्हीं क्षेत्रों में होने लगे तो हमारे इलाके का कोई भी आदमी, एक भी आदमी, एक भी युवा बेरोजगार नहीं बचेगा। जिस जगह पर बिजली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो, उस जगह का किसान बिजली के कारण रो रहा हो, बिजली कारण छटपटा रहा हो, बिजली कारण उसकी फसल सूख रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। किसान को मुफ्त में बिजली दी जा सकती है, विंध के लोगों को वो नहीं मिल पा रहा। हमारा युवा प्लेट धोने के लिए पूरे देश भटक रहा है, वो नहीं हो पा रहा। ये तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं कि विंध का कैसे विकास हो, विंध में एजुकेशन का सिस्टम ठीक कैसे हो, विंध में हेल्थ का सिस्टम ठीक कैसे हो, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के खुद की पार्टी बनाई है, वैसे भाजपा और कांग्रेस से भी कई नाराज नेता हैं, वो भी संपर्क में है क्या, वो भी आपके साथ आए और चुनाव मैदान में उतरे? कुछ दिनों के बाद विंध के नाम पर एक एक बच्चा बच्चा चिल्लाएगा, जिसको राजनीति करना होगा वो आएंगे, जो लोग आज यहाँ वहाँ भटक रहे हैं उन सबको आना पड़ेगा, वो सब लोग आएंगे। विंध के पुनर्निर्माण सबको देखना पड़ेगा, जो विंध के पुनर्निर्माण में अपना योगदान नहीं देगा वो राजनीति के लायक भी नहीं बचेंगे, ये बिल्कुल तय है। अच्छा, कितनी तैयारी की आपने भाजपा कांग्रेस का सियासी गणित बिगाड़ने की? बहुत तैयारी में है कांग्रेस और भाजपा तो इस बार। मैं किसी की गणित बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूँ, हम विंध को बनाने के लिए आए हैं। अब विंध को बनाने के लिए जो राजनीति के ठेकेदार हैं, राजनीति के में व्यापार करने वाले लोग हैं, जिनका राजनीति धंधा है, उनको सबक सिखाने के लिए आए हैं। नारायण त्रिपाठी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं मैयर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो बिल्कुल, विंध जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के भी नाम की घोषणा कर दी है और जिस तरह से उन्होंने मुद्दे रखे हैं कि सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो विंध प्रदेश बनाने की है और विंध के मुद्दों को उठाकर वो जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। लेकिन जनता विंध जनता पार्टी पर कितना विश्वास जताती है तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दल भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।